गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेरा फ्रैक्शन। सामने मैंने लिखी है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जानना बच्चे कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बच्चों फ्रैक्शन है ये टू पार्ट्स। फ्रैक्शन को दो भागों में बांटते हैं जो कि लिख दिए हैं। एक रहेगा न्यूमरेटर में और दूसरा रहेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक भाग न्यूमरेटर में रहेगा और दूसरा भाग डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का हिंदी लिखे हैं अंश और डिनोमिनेटर का हिंदी लिखे हैं हार, अंश बाई हार, ठीक है। तो फ्रैक्शन है ये टू पार्ट को टू पार्ट में बांटेंगे, एक अंश में और दूसरी हर में, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? तो इस टाइप से आप लोग को मैंने एग्जाम्पल दे के बताते हैं, ठीक है। इस समय आप लोग को एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। प्रश्न रहेगा, राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इन न्यूमेरियल्स में, ठीक है। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4, 7 है ना, मैंने ले ली। अब इसको सॉल्यूशन मैंने कैसे करूंगी? न्यूमेरियल्स में क्वेश्चन इसमें करना है तो कैसे करेंगे? मैंने इसको इसका जो न्यूमेरेटर में रहेगा वो क्या रहेगा? 4, और डिनोमिनेटर में रहेगा सो 7। समझ रहे हैं आप लोग? फ्रैक्शन को टू पार्ट्स में करना है, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में। तो इसका जो 4th में हो गया न्यूमरेटर और 7th जो हो गया सो डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर राइट द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड्स में रहेगा, अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ दे दिया जाए, ठीक है, दे दिया जाए, तो इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं 7 by 10, ठीक है। न्यूमरेटर में इसका ले लिए 7 और डिनोमिनेटर में ले लिए इसका 10, ठीक है। तो इसको फिर ऐसा ही लिखेंगे 7 7, अब इसका हो जाएगा 10। अरे दोनों का ऑपोजिट करना, अंक में अगर वर्ड्स में रहेगा तो इस तरफ लिखना, और क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया रहेगा नंबर्स में तो उसको इस टाइप से करना है। तो बच्चों को मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया, आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब मानते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी लिया, राइट फ्रैक्शन फॉर द साइडेड पार्ट इन द फ्लोइंग फिगर दिया रहेगा, फिगर भी दिया रहेगा, इन द फ्लोइंग फिगर लिख देते हैं, इन फ्लोइंग फिगर हो गया। मैंने सामने क्वेश्चन लिख दिया, एक अभी फिगर में दिया रहेगा। मान लेते हैं फिगर, अभी मैंने एग्जाम्पल में फिगर भी देती है, पहला एग्जाम्पल एंड दूसरा एग्जाम्पल। इसमें कुछ बॉक्स बना देती हैं, बॉक्सों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कितनी है? 5 है। और यहाँ भी मैंने बॉक्स बनाई है, इसमें भी है 4, ठीक है। इसको सबसे पहले ये पूरा बॉक्स की संख्या कितनी है? 4th है। अब इसको एक भाग मैंने क्या करते हैं, छायांकित करते हैं, करते हैं इसमें, और इस टाइप से फिगर दिया हो तो उसको इसका सॉल्यूशन जो हो गया, इसका जो सॉल्यूशन हो गया 1 भाग, उसको करते हैं कुल टोटल सम, टोटल टोटल जो है बॉक्सों की संख्या कितनी है? 4th है। देख लिए, समझ में आया बच्चों आप लोगों को?
दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिए हैं, इसमें फाइव बॉक्स है, 1 2 3 4 5। इसमें क्या करते हैं, 2 भाग दे दिया है, उसको हम साइडर कर देते हैं, इसको छाइन के भाव कर देते हैं, भर देते हैं, भर दिए मैंने। तो टोटल जो बॉक्सों की संख्या है उसको किसमें लिखना है, डिनोमिनेटर में, जैसे कि 5 है, ठीक है, तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दूंगी। और कितने भाग छाइन के किए हैं इसमें, साइडर किए, जो 2 पार्ट जो इसमें ऐसे उसको छायांकित कर दिए, तो इसका आंसर जिसका सॉल्यूशन हो गया 2/5। समझ में आ गया? तो बच्चों क्लास 6 का जो मैथ में दिया गया है फ्रैक्शन चैप्टर में, पहला चैप्टर में बस इतना ही है। इसी के इस वीडियो के द्वारा आप लोग क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। और कल की क्लास में मैंने बताऊँगी प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स नंबर वगैरह मैं जरूर बताऊँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा समाप्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।